अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं AU 7070 इंच LED की, ओरिजिनल सैमसंग की। आपको भी दिखाते हैं ये, इसका मैनुअल बुक, रिमोट, ये एक्सेसरीज मैंने निकाल ली हैं। ये भी इसकी बैक के लॉक हैं। ये टेबल ब्रैकेट राइट, ये टेबल ब्रैकेट लेफ्ट वाला इसका। ये 70 इंच में है, ओरिजिनल सैमसंग में। इसे हम इंस्टॉल भी करेंगे, आपको दिखाएंगे भी इंस्टॉल कैसे होती है। इसे हम एक दफ़ा अनबॉक्सिंग कर दें। ये इसकी फ्रंट पे पैनल के लिए, सेफ्टी के लिए दिया जाता है, इसमें एयर होती है, ये जो भी निकाला था। फिर साइड पे भी थर्मोकोल होती हैं, राइट लेफ्ट थर्मोकोल लगा होता है, फ्रंट पैक होता है, टॉप पे होता है, इसकी ग्राउंड पे होता है, हर साइड पे पैकिंग होती है। बहुत अच्छे तरीके से, सेफ तरीके से पैक की जाती है, क्योंकि नुकसान ना हो शिपमेंट में। कोई ट्रॉला वगैरह में जब ये आती है तो फ्रंट बैक इसका देख के, जैसे LED हम उठाते हैं, फ्रंट पैनल को हमें प्रेस नहीं करना चाहिए। एक हैंड ऊपर होना चाहिए, एक बिल्कुल नीचे होना चाहिए, कि पैनल के ऊपर आपकी कोई फिंगर्स ना आए। जैसे पैनल के ऊपर आप फिंगर्स रखेंगे तो पैनल आपका डैमेज होने का खतरा होता है। उस चीज़ में काफ़ी वेट होता है इस LED का, बहुत एहतियात से इसे बॉक्स में से निकालना चाहिए। कोई एक्सपर्ट हो वो ट्राई नहीं करना चाहिए। बड़े पैनल, बहुत नाजुक पैनल होते हैं, माइनर सा हिट हो तो ये डैमेज हो जाती हैं। नहीं जी, हमारी LED बाहर आ गई है, ये मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ ऑन करवा के भी। ये हमने अभी रिसीव किया है, इसे हमने एक दफ़ा ऑन करके भी अभी चेक करना है कि इसका पैनल वगैरह ओके है, कोई रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन में कोई डैमेज तो नहीं हुआ डिलीवर, क्योंकि अभी तक हमने इसकी रिसीविंग नहीं दी। इस LED की रिसीविंग हमने उस टाइम इन्हें देनी है जब हम चेक कर लेंगे कि LED ओके। इसकी वायर निकालने में जा रहा हूँ, वायर निकाल रहा हूँ, इसकी पावर वायर जो है जिससे ये ऑन होगी। अभी हम इसे ऑन करके आपको दिखाते हैं एक दफ़ा, फिर हमने रिसीविंग देंगे, रिसीविंग दे के उन्हें फ्री करके फिर आपको हम दिखाएंगे इसे इंस्टॉल कैसे करना है। वॉल पे हम इंशाल्लाह इसे इंस्टॉल भी करेंगे। इसकी मैं पावर एक दफ़ा लगा दूं, इसकी बैक साइड पे पावर लगती है, 2 पिन पावर इसकी आती है। बड़े पैनल जो भी हैं इनके अंदर 2 पिन आएगी। इसकी सप्लाई पहले एक्सटर्नल आती होती थी, अभी इन्होंने इंटरनल ही कर दिया है। एक सेपरेट आती होती थी सप्लाई, शायद आप लोगों ने देखी हो, वो अब नहीं आती, वो इंटरनल बोर्ड के अंदर ही इन्होंने कर दिया है उसे, ताकि वो वेट काफ़ी बन जाता था बैक LED का, सॉरी पावर केबल का। तो इस वजह से नहीं जी, हम अपने LED को ऑन कर रहे हैं। हमारे पास लाइट गई हुई है सोलर के ऊपर, हमने सॉकेट पर लगाया, आई थिंक वो लगा नहीं है सही तरीके से, मैं चेक करता हूँ दोबारा उसे, तो इस वजह से ये पैनल ऑन नहीं हो रहा। बड़ा पैनल जब भी आप रिसीव करते हैं, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, लोकल हो, ब्रांड में हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उसे चेक करके फिर रिसीव करना चाहिए, रिसीविंग फिर आपको पॉज करनी चाहिए, क्योंकि इन पैनल्स में बहुत ज़्यादा डैमेज होने का खतरा होता है, क्योंकि जितना बड़ा पैनल होगा उतना ही सेंसिटिव होगा वो। ये अभी ऑन नहीं हुई LED, देखते हैं ऑन क्यों नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है इस LED के अंदर, या हमारी कोई वायर में प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से सॉकेट में ही कोई प्रॉब्लम लग रही है। मैं इसे दोबारा चेक कर रहा हूँ, मेरे पास पावर सप्लाई तो इसकी आ गई है, फिर LED को ऑन होना चाहिए। ये देखिए, ये चीज़ें होती हैं, हमें बहुत एहतियात से इसे टाइम दे के चेक करना चाहिए। एक दफ़ा ऑन होके बंद हो गई है, ले जी हमारी LED ऑन होके फिर बंद हो गई है, शायद इसका पावर हिल रही थी उस वजह से प्रॉब्लम था। ले जी हमारी फाइनली LED ऑन हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सेफ तरीके से पहुंच गई है। पैनल भी बिल्कुल ओके है, कोई स्पॉट कोई कुछ नहीं है। अब हम इसे बंद करके एक दफ़ा इस भाई को फ्री करेंगे, इन्हें रिसीविंग देंगे, फिर आपको बताएंगे इंस्टॉल कैसे होगी। आए जी, हम आपको ब्रैकेट दिखाते हैं वॉल का। ये इसका वॉल ब्रैकेट है, ये छोटे जो आपको ये नज़र आ रहे हैं लॉक्स, ये ऊपर वाली साइड पे लगते हैं, इस ब्लैक कलर के होते हैं, वो नीचे लगेंगे। ये इसकी वॉल पे ब्रैकेट हमने हैंग कर दिए। इसका लेवल का ख्याल करना चाहिए, लेफ्ट राइट किसी साइड से भी अप डाउन ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो,
जी हमारी फाइनली एलईडी इंस्टॉल हो चुकी है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में रिसीव हो। इसकी हम ट्यूनिंग करते हैं, ट्यूनिंग करके भी आपको दिखाते हैं। हमारे पास अभी वाईफाई इधर कोई अवेलेबिलिटी नहीं है वाईफाई की, अभी घर नहीं है इसमें वाईफाई नहीं लगा हुआ। चैनल पे हमने कर रहे हैं लेकिन मेरे ख्याल से चैनल भी अभी केबल नहीं है क्योंकि लाइट गई हुई है, लाइट की वजह से वॉस्टर वगैरह बंद होते हैं तो इस वजह से केबल भी हमारी स्कैनिंग में नहीं, कोई एक भी चैनल हमारे पास रिसीव नहीं। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ सैमसंग की एलईडी है, ओरिजिनल सैमसंग। ये इसका रिमोट कंट्रोल है, बहुत स्लिम स्मार्ट खूबसूरत सा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।